नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व शनि अमावस्या को मुरैना में बड़े ही भक्तिभाव से मनाया गया। देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने एति गांव के प्राचीन शनि मंदिर में भगवान के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कड़े इंतजाम किए थे। भगवान शनिदेव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है और वह मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही एक वजह है कि लोग उनकी पूजा अर्चना में बहुत सावधानी बरतते हैं। मुरैना के एति गांव में स्थित त्रेतायुगीन शनिदेव मंदिर का विशेष महत्व है और माना जाता है कि शनिदेव की प्रतिमा आसमान से टूटे उल्का पिंड से निर्मित हुई है। ज्योतिषी और खगोलविद मानते हैं कि शनि पर्वत पर निर्जन वन में स्थापित होने की वजह से शनिदेव मंदिर का काफी प्रभावशाली है। और वो तो न्याय का देवता है, हमेशा न्याय की बात। जो आदमी आज भी जो न्यायकारी है उसकी आज भी जय जयकार, जो हरामी लोग हैं उनकी आज भी कहीं ना कहीं समाज के लोग तिरस्कार करते हैं। ठीक है, किस तरह से पूछते हैं? शनिदेव को इसलिए पूछते हैं कि हमारे जो भी देवता लोग हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु ले लो, शंकर जी ले लो, और उनको बहुत बाद में ये न्याय की इनकी गद्दी दी है शंकर जी ने, इसलिए दी कि कहीं ना कहीं अन्याय जहाँ हो तो आप उसका अन्याय का कहीं ना कहीं उसको जो है धराशायी करें और न्याय वाले का आप कहीं ना कहीं साथ दें। सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व शनि अमावस्या के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। पुलिस प्रशासन ने सैकड़ों जवानों को तैनात करते हुए बैरिकेड्स और 20 से ज्यादा पॉइंट लगाकर सुरक्षा और यातायात को सुचारू रखने का प्रयास किया। जिला प्रशासन ने महिला पुरुषों के लिए स्नानागार और शौचालय की अलग अलग व्यवस्था करते हुए श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कपड़े, जूते, चप्पलों को हटाने के लिए भी समुचित व्यवस्था की। और अभी तक सुबह तक लगभग 4 लाख के लगभग जनसंख्या दर्शन कर चुकी है और अभी दिन भर में लगभग 7-8 लाख तक की संख्या पहुंचने की संभावना है। दर्शनार्थी काफ़ी दूर दूर से भी आ रहे हैं और राजस्थान से हैं और गुजरात से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और लगभग हमने 450 आदमियों का लगभग हमने फोर्स लगाया हुआ। यहाँ लगातार 3-4 मीटिंग ली जिले के सारे अधिकारियों को और कई सैकड़ा अधिकारियों को और कर्मचारियों को हमने यहाँ तैनात किया है। पेयजल की विशिष्ट व्यवस्था है, टैंकरों की भी 30-40 की व्यवस्था सामान्य टंकी वाले पेयजल के अलावा की गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संकट मोचन भगवान हनुमान ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था। यही वजह है कि एति गांव के प्राचीन शनि देव मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के सिग्नापुर के प्रसिद्ध शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनि शिला भी इसी शनि पर्वत से ले जाई गई है। मुरैना से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।